नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। चीन से कोरोना वायरस इन्फ्लुएंजा विभिन्न देशों के साथ ही साथ भारत में भी दस्तक दे चुका है और जिसके प्रति स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से इसके बचाव के लिए सावधानियां बरतने के लिए कहा है। आपको बता दें, इस बीमारी से बचाव के लिए अपने गले को सूखने ना दें तथा थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहें, पानी गर्म पीने का प्रयास करें। साथ ही साथ आने वाले 2-3 महीनों तक भीड़ भरी जगहों में फुल्की चाट, आइसक्रीम या अन्य ऐसे पदार्थ खाने से बचें जो पिछले 48 घंटे पूर्व निर्मित किए गए हों या जिनके पिछले 48 घंटे पूर्व निर्मित किए जाने की आशंका हो, क्योंकि यह वायरस लगातार बड़ी ही तीव्र गति से फैल रहा है। साथ ही साथ एडवाइजरी जारी करते हुए यह भी बताया जाता है कि इस बीमारी के प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार का होना, बुखार के बाद खांसी, सिर दर्द और स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का अल्प समय में व्यक्ति को प्रभावित कर देना माना गया है। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।